नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद करता हूं और साथ ही रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप नए यूट्यूबर हैं, आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट ए में। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। बच्चों हमें इसमें बताना है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बताना है जिसकी मिनिमम इंटीरियर एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल यानी कम से कम कितने डिग्री का होगा। बच्चों देखिए, हम यहाँ पर पॉलीगॉन होता है कोई भी क्लोज्ड फिगर ऐसे, यानी साइड से क्लोज बने ऐसे। ठीक है, ऐसे अब टू साइड है, टू साइड से तो कोई भी क्लोज फिगर नहीं बननी है, तो वो मिनिमम होती है थ्री साइड की ऐसे ये वाली। ठीक है, थ्री साइड से हम एक पॉलीगॉन बना सकते हैं और थ्री साइड से जब पॉलीगॉन बनाएंगे तो इसमें लिखा है रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर का मतलब उसकी सभी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब अगर इसकी सभी साइड इक्वल है और ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो मिनिमम इंटीरियर एंगल इसकी मेजर क्या आएगी बच्चों, वो आएगी 60 डिग्री। ठीक है, वो आएगी 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन होने के कारण इसकी जो इंटीरियर एंगल की जो मेजर होगी मिनिमम वो होगी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, मिनिमम साइड से अगर हम कोई भी पॉलीगॉन बनाते हैं तो उसका जो इंटीरियर एंगल आएगा वो कम डिग्री का आएगा, मिनिमम एंगल आएगा, और जो भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसका, ठीक है ना, वो जो होगा वो मैक्सिमम एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, आइए मैं इसमें इसको करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप बने रहे मेरे वीडियो पर। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ द इक्विलेटरल ट्राइंगल बीम ए रेगुलर पॉलीगॉन पॉलीगॉन ऑफ थ्री साइड्स। इट, यहां पर मैं लिख देता हूं पूरी कंक्लूजन डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, इट हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एंड इंटीरियर एंगल एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, 60 डिग्री का आएगा। अब मैंने आपको ये बना के दिखाया ऐसे, इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ये हम कोई भी नाम दे सकते हैं और ये इसमें इंटीरियर एंगल हो गई। तो ये 60 डिग्री का कैसे आएगा, क्यों आएगा, आइए हम इसको लेके चलते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इसमें ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी सी। ठीक है बच्चों, ये सभी साइड इक्वल होती है और जिस ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती है उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। सभी साइड इक्वल है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। लेट एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी और इक्वल एक्स, एक्स इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, और तीनों ए भी एक्स इक्वल आ गया, बी भी एक्स इक्वल आ गया और सी भी एक्स इक्वल आ गया। तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 होता है। आइए मैं डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं, द सम ऑफ
angles, the sum of three angles. So यहाँ पर आपको three angles लिखना है. The sum of three angles of triangle. यहाँ पर h equal 180 degree. ठीक है बच्चों, ये आ गया. आइए हम x को add कर लेते हैं. 1x, 2x, 3x. 3x यहाँ पर हम 3x लिख लेते हैं equal 180. अब x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, कैसे निकालें? 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया. 3 से इसको डिवाइड करें, 3 हो गया 3, 3 6 जाए 18 इक्वल आ गया 60 डिग्री. ठीक है, तो इस प्रकार ये 60 डिग्री का एंगल आएगा, मिनिमम 60 डिग्री का आएगा. आप इसके सेकंड पार्ट में पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, अब हम इसी से लेकर चल सकते हैं. यहां पर मैं करता हूं बी वाला पार्ट. ठीक है, फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, ए से अब हम लेकर चले. अगर इंटीरियर एंगल 60 का है, ठीक है, तो मैक्सिमम एंगल कितने का होगा इंटीरियर एंगल को, ये देखिए. यहां पर मैं एक बार फिर आपको फिगर बनाता हूं. ये और ये इक्वेटर एंगल, ये 60 का है और ये लाइन, ये एंगल और ये इंटीरियर एंगल आता है, ये इंटीरियर एंगल बन जाता है. तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180. लीनियर पेयर होता है. तो हम इसमें से अगर देखें फ्रॉम ए से, ए से लिखते हैं 180 में से अगर हम इंटीरियर माइनस कर दें, ये एंगल माइनस कर दें तो आता है 120 डिग्री. ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम जो मेजर होगी, जो मैं व्हाट इज द मैक्सिमम में एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, वो होगा 120 का. ठीक है, आप ये 180 ये इस एंगल के सम नहीं है कभी, आप ये जो सॉरी ट्रायंगल का सम आप फाइंड कर लेंगे, 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 नहीं, ये लीनियर पेयर वाला 180 है. ठीक है, लीनियर पेयर से मैं यहां पर लिख देता हूं. एक मिनट बच्चों, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल. ठीक है, इन यहाँ पे लिख देता हूँ इन पॉलीगन एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180. ठीक है, ये आ गया लीनियर पेयर, इसे हम लीनियर पेयर मान लेते हैं. ठीक है, लीनियर पेयर होता है. तो ये 180, ये वो 180, ये वाला. तो 180 में से इंटीरियर एंगल की मेजर हम माइनस कर दें तो माइनस करने पे जो आएगा वो एक्सटीरियर एंगल की मेजर आएगी. तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं. चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं. मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद.